का लेवल हाई होगा ही होगा। जितना पानी लेवल का हाई होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना है। जितना इसका वेट ज्यादा होगा उतना ही पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, और जितना इसका वेट कम होगा उतना पानी कम जो है वो हाइट तक जा पाएगा। तो बेसिकली पानी की जो हाइट है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आरडी शर्मा की बुक में से। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्वेश्चन की क्या है। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ ग्लास सिलेंडर विद डायमीटर 20 सेंटीमीटर हैज अ वॉटर टू हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। अ मेटल क्यूब ऑफ 8 सेंटीमीटर एज इज इमर्स इन इट कम्प्लीटली। कैलकुलेट द हाइट बाय विच वॉटर विल राइज इन द सिलेंडर। हमें बोला गया कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसमें पानी जो है वो कुछ सर्टेन हाइट तक भरा हुआ है। हमने उसके अंदर एक मेटेलिक क्यूब को डाल दिया। क्यूब का डालने के बाद पानी का लेवल कुछ हाइट से इंक्रीज हो गया। हमें वो हाइट पता करनी है जिस हाइट से पानी का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो पहले इसको देखने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। ये हमारे पास गिलास है, सिलेंड्रिकल शेप में गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है किसी लेवल तक, यहां तक जो है इस हाइट तक इसमें भी पानी प्रेजेंट है, यहां तक पानी इसमें प्रेजेंट है। इसमें हमें क्या करना है, क्यूब डाल देनी है। यहाँ पे मेरे पास क्यूब तो नहीं है लेकिन क्यूब जैसा एक सब्सटेंस है, आप कोई भी चीज डालो इसके अंदर तो पानी का लेवल हाई होगा ही होगा। जितना पानी लेवल का हाई होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना है। जितना इसका वेट ज्यादा होगा उतना ही पानी ज्यादा ऊपर जाएगा, और जितना इसका वेट कम होगा उतना पानी कम जो है वो हाइट तक जा पाएगा। तो बेसिकली पानी की जो हाइट है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। आप देखिए जैसे मैं इसमें डालूंगा तो पानी जो है वो इंक्रीज हो गया, अब पानी यहां तक आ गया, यहां तक पानी आ गया, मतलब कि ये वाला जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। ये हाइट क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई सब्सटेंस डाल दिया जिसका खुद का वेट था। उस वेट के कारण जैसे जब मैं इसमें हाथ डाल रहा हूं तो मेरे हाथ का मास है, मेरे हाथ का वॉल्यूम है। जितना मैं अंदर ज्यादा हाथ डालूंगा उतनी जो है वो पानी की हाइट बढ़ती जा रही है। तो जो पानी की हाइट का राइज होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो चीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। तो जो पानी की हाइट बढ़ेगी वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी जो चीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं। तो हमने अभी क्या डाला है, हमने अभी इसके अंदर एक क्यूब डाली। तो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल गिलास है, एक सिलेंड्रिकल गिलास है हमारे पास, जिसका जो डायमीटर है, इस सिलेंड्रिकल ग्लास का जो डायमीटर है वो हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये डायमीटर जो है ये 20 सेंटीमीटर की। इस पूरे सिलेंड्रिकल ग्लास की हाइट हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि ये 9 सेंटीमीटर तक पानी से भरा हुआ है। मतलब कि सपोज यहां तक ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ इस लेवल तक इसमें पानी था पहले, इसमें क्यूब डालने से पहले इसका लेवल यहां तक था, जो कि ये हाइट कितनी थी, ये हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने इसके अंदर एक क्यूब डाल देनी है, क्यूब डालनी है जिसकी जो हमारे पास एच लेंथ है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी एज जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर की है। इस क्यूब को हमने इसके अंदर डाल दिया। जब इस क्यूब को इसके अंदर डालेंगे, इस क्यूब को जब हम सिलेंडर के अंदर रख देंगे तो ये पूरी डूब जाएगी, क्योंकि इसका खुद का वेट होगा, तो उस वेट के कारण ये पानी में डूब जाएगी, जिसके कारण जो है इसमें पानी का जो लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा। सपोज पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया, क्यूब डालने के बाद पानी का लेवल यहां तक पहुंच गया, कितना बढ़ गया, ये एक्स हाइट से इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि पानी का लेवल सिलेंडर के अंदर हाइट हुआ है तो ये इतना सा पार्ट भी एक सिलेंडर ही बनेगा। अगर मैं पूरे ग्लास को कंसीडर ना करके सिर्फ इतने से पार्ट का वॉल्यूम निकालूं तो ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही होगा। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम पानी का राइज होगा वो इक्वल टू किसके होगा, वो इक्वल टू होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। तो लिखते हैं हमारे पास, पहले तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ये हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। यहां से हमारे पास रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमें हाइट गिवन है, हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर। बेसिकली हमें इस हाइट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर ये ना भी दी होती फिर भी हम क्वेश्चन को निकाल लेते। सेकंड हमारे पास क्यूब की एच गिवन है, क्यूब की क्यूब्स एच ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर की। बट क्योंकि क्यूब को सिलेंडर के अंदर डाला है और पानी इंक्रीज हुआ, पानी का लेवल इंक्रीज हुआ, तो जो पानी का लेवल इंक्रीज होगा उसका वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम जो होगा इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ राइज वॉटर, जितना भी पानी ऊपर उठा है वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो भी हमारे पास वॉल्यूम था क्यूब का। अब ये जो पानी राइज हुआ है वो सिलेंडर के अंदर हुआ है, तो यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है, h हाइट होती है सिलेंडर की, और बेसिकली हम सिर्फ इतने से सिलेंडर के लिए निकालना चाहते हैं क्योंकि हमारी इंक्रीज हाइट बस x ही है। तो यहाँ पे हम x रखेंगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास h का क्यूब। तो h हमें 8 की वन है, 8 का क्यूब वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 10 × 10 × x इज इक्वल टू 8 का क्यूब। x निकालना है तो बाकी सारी चीजें उधर ले जाते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 × 8 × 8, क्यूब को 3 बार लिख लिया, 7 डिवाइड में है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड, 10 भी इधर डिवाइड, और ये वाला है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 × 1 = यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, और अगर हम ना ही काटे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं कि कितना आता है, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1792, डिवाइड में रह जाएगा 11 × 10 × 10 करेंगे 100 आ जाएगा, 1792 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1629 डिवाइडेड बाय 100, इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा, कहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 162.9 हमारे पास आएगा, इसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.629 सेंटीमीटर, ये हमारे पास x आ जाएगी। जो लेवल पानी का इंक्रीज हुआ वो है हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।